गुड मॉर्निंग बच्चों, के आर वेलकम मेमोरियल सी बी एस ई स्कूल में आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सपनों के से दिन इस पाठ में लेखक जी को स्कूल जाने के लिए मन क्यों नहीं आता था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने कुछ कारण बताए थे। वो कारण क्या थे, ठीक है, किस कारण से उनका मन ऐसा होता था, मतलब उदास दुखित, ठीक है, उनका मन किस कारण से दुखित होता था, यह सारा विषय हम बच्चों पिछली कक्षा में चर्चा किए हैं। और उसमें लेखक जी आदिकाल में पैसों की मूल, ठीक है, पैसों की मूल्य जिस तरह था, मतलब महत्व जिस तरह था, उसके बारे में भी उन्होंने हमारे साथ चर्चा की है। उसमें आज के दिन, मतलब इस प्राचीन काल में आप देखते हो बच्चों, तो ये आधुनिक काल में हम जितना भी पैसे लेकर बाजार गए तो भी, ठीक है, एक थैला भर बाजार नहीं आता, ठीक है, मतलब उस दिन उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिया है। इधर 2 रुपए में क्या होते थे, 40 शेर, ठीक है, दाना, ठीक है, और गेहूं, ऐसे चीज आते। लेकिन आज यह युग बदल गया, ठीक है, जिस तरह दुनिया बदल रहा है लोगों का मन भी बदल रहा, ठीक है, तो उसी तरह उधर उन्होंने कहते हैं कि तो स्कूल के सामने, ठीक है, अलियार के झाड़ उगे थे, तो उस झाड़ के पत्ते बहुत झाड़ के पत्ते वो बूढ़े होकर, मतलब पीले होकर, वो ऊपर से नीचे गिर गिर कर उधर एक डेरा बनाया, डेरा बन गया था, पत्तों की ढेर, ठीक है, तो बहुत दिनों से वही पड़े तो उसका गंध आता है, स्मेल, वह भी एक कारण था स्कूल जाने के लिए उनका मन उदास होने का, वो भी एक कारण था। तो यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं, आइए देखेंगे आगे लेखक जी क्या कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। परंतु स्कूल एक दो कारण से अच्छा भी लगने लगा था, एक दो कारण से, मतलब ऐसा ही होता है, एक एक दिन जाने के लिए मन होता रहता है, एक एक दिन इनकार करता रहता है, ठीक है, तो ऐसे एक हालत में एक दो कारण से अच्छा भी लगने लगा था, ठीक है। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज, ठीक है, आवाज या मुंह में ली विसल से मार्च कराया करते, फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या उबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अखड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान, ठीक है, मतलब परेड करते समय मार्च पास्ट होते ना, ऊपर स्कूल में भी आप करते रहते, ठीक है, तो करने के लिए क्या चाहिए, मन बहुत, मन में बहुत लगन से करना है, लगन एकाग्रतेन्द्रियत्र, कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि तो उसमें बहुत हम अब स्कूल में करते हो, ठीक है, 26 जनवरी हो, ठीक है, अगस्त 15 मार्च पास्ट करते हैं ना, तो उसी तरह जिस तरह बच्चे तो बहुत सावधानी से, ठीक है, तो अच्छी तरह से उसमें भाग लेकर करते हैं, उसके बारे में उन्होंने हमें इधर बता रहे हैं। पीटी टीचर बच्चों से जिस तरह काम लेते थे, मार्च पास्ट करते समय हो, ठीक है, या स्काउट गाइड्स का प्रैक्टिस करते समय, हाँ, जिस तरह हम उसमें भाग लेकर बहुत सावधानी से करते थे, उसके बारे में कहते हैं, देखो इधर, परंतु स्कूल एक दो कारण से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रेमचंद, मतलब पीटी टीचर मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज, ठीक है, चलते समय कदम ताल बोलते ना, कदम ताल जाते समय लेफ्ट राइट ऑफ मन में इस तरह बोलते हुए क्या करते हो, आगे चलते रहते, तो उस तरह
अध्यापक जी उसका ऑर्डर देते रहते हैं। पीटी टीचर लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह से ली विसिल से मार्च कराया करते हैं। विसिल मतलब सीट इंद्र, हाँ विसिल से मार्च कराया करते हैं। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़िया जूते, ठीक है, एड़िया मतलब पैर का पीछे का भाग, हिम्बड़ा अंत है कालीन हिंदी ना भाग हिम्बड़ा, छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़कर बूटों की टक टक करते तो चलते समय, या आप ठीक है दाएं मुड़ना बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़े, दहिने मुड़ेगा दहिने मुड़, पीछे मुड़ेगा पीछे मुड़, ऑर्डर देते रहते हैं। तो उस समय हम टर्न करते समय क्या होता है, एड़ी पर, एड़ी पर टर्न करना पड़ता है, समझ में आ रहे ना। तो उस समय क्या होता था, बूटों की आवाज टक टक करते अखड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान, फौजी मतलब मिलिट्री फौज, हाँ हम विद्यार्थी नहीं मिलिट्री के एक सिपाही है जवान है, तो इस तरह लगता था बच्चों के मन में। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारे नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने, ठीक है नाभा मतलब वो राजा, ठीक है, परंतु हमारे नाभा रियासत का राजा, रियासत मतलब शासन, अंग्रेजों ने, राजा अंग्रेजों ने 1983 में गिरफ्तार कर लिया था, और तमिलनाडु में कोडैकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। रियासत शासन तमिलनाडु कोडैकनाल जंग, जंग मतलब युद्ध, और गिरफ्तार मतलब अरेस्ट, देहांत, देहांत होना, मर जाना, दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1983 में गिरफ्तार कर लिया था, मतलब उसे अरेस्ट कर लिया था, और तमिलनाडु के कोडैकनाल, कोडैकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, देखो तो उधर क्या हो रहा था, दूसरे विश्व युद्ध का समय था, ठीक है हमारी, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा तो शासन का राजा को अंग्रेजों ने क्या किए थे, 1983 में गिरफ्तार मतलब अरेस्ट किए थे, और तमिलनाडु में कोडैकनाल में ही जंग शुरू होने वाला, शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया, तो युद्ध शुरू होने से पहले उस राजा का देहांत, मतलब वह राजा मर गया था। तो उस राजा का बेटा कहते अभी विलायत, विलायत मतलब विदेश, परदेश बोलते हैं विदेश, ठीक है, उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, मतलब वो राजा मर गया था, राजा का बेटा विदेश में उन्होंने पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देशी रियासत में भी अंग्रेजी की ही चलती थी। राजा मर गया था तो अंग्रेजों ने क्या किए, उस राज्य को अपना, अपने वश में ले लिए, ठीक है, और जो राज्य उन्होंने अपने वश में ले लिए तो उस राज्य में अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। कहते उन्होंने देख लो, राजा मरने के बाद
कोई एक राज्य हो, उस राजा मरने राज्य का राजा मरने के बाद मतलब उस राज्य पर उन्होंने आक्रमण कर देते, राजा को हरा कर उस राज्य को उन्होंने अपने वश में ले देते। तो उसी तरह इधर क्या हो गया, उस राजा को उन्होंने गिरफ्तार कर लिए, युद्ध से पहले ही वह राजा मर गया, इसलिए उस राज्य पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। राजा का बेटा था लेकिन उन्होंने विदेश में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उस राज्य पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। राज्यभार अंग्रेज हमारे रियासत के, इसलिए हमारे देशी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारे रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। देखो जबरन मतलब जबरदस्ती से, जबरदस्त अंग्रेज हमारे रियासत के गांवों से मतलब ग्रामीण प्रदेश गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। भर्ती मतलब अब मिलिट्री का भर्ती चलते रहता है ना, ठीक है, मिलिट्री में वो लेने के लिए उससे पहले उन्होंने एक भर्ती करते हैं, उसमें फिजिकल है, ठीक है, एग्जाम है और मेडिकल है, तो ये सभी पास होने के बाद उनको क्या करते हैं, उन्होंने भर्ती कर लेते हैं। तो ऐसा चल रहा था, जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते हैं। फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर मतलब ऑफिसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी मतलब नौटंकी मतलब एक प्रसिद्ध लोग नाट्य है। तो गांव में देखते रहते हो आप, ठीक है, कोई एक विषय को लोगों को समझाना हो तो, ठीक है, उसके बारे में विषय के बारे में लोगों को समझाने के लिए गांव में नाटक चलते रहते हैं, नाटक वगैरह है ना, तो नाटक करके तो उसके बारे में लोगों को दिखाना, क्योंकि वे अनपढ़ हो तो लिख कर हो है ना, वो पढ़ने के लिए किताब हो ऐसा हम दे तो वे पढ़कर समझ में नहीं समझ लेते क्योंकि वे अनपढ़ रहते, तो उस समय उनको क्या करना है, ऐसा नाटक करके दिखाना है ना। कौन थे नौटंकी मतलब एक प्रसिद्ध नाट्य मतलब नाटक करके दिखाने वाले, नाटक बंद वो हल्दी गई हाँ। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब अफसर आते तो उनके साथ तो फौज मतलब मिलिट्री में सेना में लोगों को भर्ती कर लेने के लिए ऑफिसर उधर आते तो उनके साथ ये लोग होते थे मतलब और नाटक करके दिखाने वाले लोग होते थे। क्या दिखाते थे उन्होंने, क्यों ये लोग उनके साथ आते थे, नौटंकी वाले भी हुआ करते, वे रात को खुले मैदान में शामियान लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते हैं। देखो तो पहले क्या होता था, कुछ दिनों से पहले, अब सेना में भर्ती होने के लिए लोग बहुत परिश्रम करते हैं है ना, तो कुछ दिनों से पहले उन्होंने घर आकर ले जाते थे फौज के ऑफिसर मतलब मिलिट्री के ऑफिसर घर आकर क्या करते थे, जबरदस्ती से ले जाते थे। मतलब उस दिनों में क्या होता था, घर में सेना में भेजने के लिए घर वाले मन नहीं दिखाते थे, इनकार करते थे उन्होंने, मिलिट्री वाले बोली कि मनी वाले बट्टे बेड़ तिद्रे मुंचे कल दिन हिंदे ओप्ति बेड़ बेड़ अंतर अंत बिड़स्ता रीतिया बहुत जन उकट लेकिन आज के दिनों में क्या हुआ है,
फौज में या सेना में भर्ती होने के लिए लोग बहुत परिश्रम करते हैं। तो उस समय ऐसा था, लोग फौज में भर्ती होने के लिए इनकार करते थे, समझ में आ रहे ना, सेना में भाग सेना में भर्ती होने के लिए इनकार करते थे। इसलिए वे ऑफिसर गांव में आए, तो मिलिट्री ऑफिसर गांव में आए तो उनके साथ इनको ले आते थे उन्होंने, नौटंकी मतलब नाटक करके दिखाने वाले लोगों को साथ ले आते थे उन्होंने। अरे आ मिलिट्री ऑफिसर्स ಜನರನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಏ ಲೋನ್ ಕೊ ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಲೇ ಆತೈತೆ ಕಹತೆ ದೇಖೋಣ ವೆ ರಾತ್ ಕೋ ಖುಲೆ ಮೈದಾನ ಮೇ, ಮೈದಾನ ಮತಲ ಗ್ರೌಂಡ್, ಖುಲೆ ಮೈದಾನ ವಿಶಾಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇ, ಸಮಜ್ ಮಾರೇ ನಾ, ಖುಲೆ ಮೈದಾನ ಮೇ ಶಾಮಿಯಾನ, ಶಾಮಿಯಾನ ಇಸ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಂಡಪ ಬೋಲ್ತೆ ನಾ, ಮಂಡಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕೋ, ಏನು ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರ ಹಾಕೋ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಮಂಡಪ, ಮಂಡಪ ವೇ ಲೋಗ ಖುಲೆ ಮೈದಾನ ಮೇ ರಾತ್ ಕೆ ಸಮಯ ಖುಲೆ ಮೈದಾನ ಮೇ ಶಾಮಿಯಾನ ಲಗಾಕರ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಫೌಜ್ ಕೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಐಸಾ ಏಕ್ ಮಂಡಪ ಡಾಲ್ಕರ್ ಲೋಗೋ ಮೇ ಲೋಗೋ ಕೋ ಫೌಜ್ ಕೆ ಮತಲಬ್ ಸೇನಾ ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೆ सुख आराम बहादुरी तथा दृश्य दिखाकर आकर्षित कर किया करते हैं। देख लो तो लोग मिलिट्री में जा मिलिट्री जाने के लिए इनकार करते थे ना, तो इसलिए उन्होंने क्या करते थे रात में उस गांव में क्या करते थे, उन्होंने नाटक करके दिखाते थे किस विषय के बारे में, तो मिलिट्री की मतलब सेना में लोग जिस तरह जीवन बिताते हैं, ठीक है, मिलिट्री में लोग जिस तरह आराम से जीवन बिताते हैं, जिस तरह उन्होंने नाटक करके दिखाते थे उसका मिलिट्री का सुख आराम, समझ में आ रहे ना, उधर लोगों में ऐसा एक उस समय मतलब कुछ दिनों के पहले लोगों के मन में ऐसा एक भावना था, तो उधर गए तो हम युद्ध करना पड़ता है, शत्रुओं के साथ हम लड़ना पड़ता है, तो लड़ाई में हम मर भी सकते हैं, तो ऐसा एक भावना था, इसलिए लोग मिलिट्री में या सेना में भर्ती होने के लिए इनकार करते थे, है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या करते थे नाटक करके दिखाने वाले, उधर ऐसा कुछ नहीं रहता, हम उधर आराम से जीवन बिताते हैं, ठीक है, इस तरह लोगों को उन्होंने नाटक करके दिखाते थे, फौज के सुख आराम है ना बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे, तो ऐसा दिखाए तो लोग मिलिट्री में भर्ती होने के लिए आते हैं, समझ में आ रहे ना, तो इस तरह नाटक करके दिखाकर वे लोग क्या करते थे लोगों को तो मिलिट्री या सेना की ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश करते थे। उनका एक गाना भी, उनका गाना अभी भी याद है, तो उस समय तो मिलिट्री के ऑफिसर गांव में आकर क्या करते थे लोगों को इस तरह नाटक करके दिखाते थे उन्होंने लोगों को आकर्षित करने के लिए, तो उस समय उन्होंने एक गाना भी गाते थे, गाना गाते हुए नाटक करके दिखाते थे लोगों को, कौन सा वो गाना लेखक जी को अब भी वह गाना याद है, कुछ मसखरे, ठीक है, मसखर मतलब हंसी या मजाक, मसखर हसिया मजा, कुछ मसकरे अजीब सी वर्दियां पहने, अजीब मतलब विचित्र होते ना, हाँ वे लोग कुछ मजाक करते हुए और अजीब सी वर्दियां कपड़े, ठीक है, अंदर विचित्रवागिरतक्कंथ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गया करते, और वो मिलिट्री के बूट होते ना बड़े बड़े, तो उस बूट को उन्होंने पहन कर अजीब से वर्दियां मतलब अजीब तरह के एक अजीब तरह के उन्होंने कपड़े पहनते थे, और कुछ हंसी मजाक करते हुए क्या करते थे उन्होंने लोगों को नाटक करके दिखाते थे। तो उस समय तो नाटक करते समय उन्होंने एक गाना भी गाते थे, देख लो कौन सा है गाना, भर्ती हो जा रे रंग रूट,
रंग रूप का मतलब भर्ती। भर्ती हो गए, भर्ती हो जा रहे रंग रूट, भर्ती हो जा रहे लोगों को उन्होंने इस तरह के गाना गाते हुए समझाते थे, ठीक है, नाटक करते हुए, भर्ती हो जा रहे रंग रूट, भर्ती हो जा रहे, अटे मिले से टूटे लीतर, अटे मतलब देव नीचे, यहां यहां मतलब कहां हो, मिलिट्री में, सेना में, अटे मिले से टूटे लीतर, लीतर मतलब टूटे हुए पुराने, खस्ता हाल जूते, लीतर टूटे हुए पुराने खस्ता हाल जूते, देखो यहां मिले से टूटे लीतर, उठे मिले दे घूट, उठे मतलब वहां, उठे मिलंदे घुट, भर्ती हो जा रे, भर्ती भर्ती हो जा रे, अटे पहन से फटे पुराने, अटे मतलब कायम रहना, कायम कायम रहना, अटे पहन से फटे पुराने, उठाई मिलेंगे सूट, उठाई मतलब उठो, उठाई मिलेंगे सूट, सूट मतलब आप ब्लेजर बोलते ना, ड्रेस, उसी तरह इस तरह भर्ती हो जा रहे रंग रूट, एक गाना गाकर मतलब लोगों को उन्होंने प्रेरित करते थे, प्रेरित मतलब प्रोत्साह बोलते ना, उन लोगों को उस काम में मन आने के लिए प्रेरित करना। देख लो और एक बार गाना हुआ, भर्ती हो जा रहे रंग रूट, भर्ती हो जा रहे, अटे मिले सही टूटे लीतर, तो शब्दों का अर्थ नीचे दिए है, मैं भी इधर लिखा हूं, ठीक है, अर्थ देखकर आप जानना चाहिए, अटे मिले सही टूटे लीतर, उठो मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे, भर्ती हो जा, मतलब उन्होंने कहते हैं कि उधर हम आराम से जीने के लिए हमें समय है, हमारे ना हम उधर आराम से रहते हैं, उठो आप क्या करो, जागृत हो, तो उसमें भाग लेने के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है, भर्ती हो जा रे रंग रूट, अटे पहन से फटे पुराने, कायम रहना मतलब अंटिकल अदक ना अडप्ट आगो, अटे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट है, उठो आपको क्या होते हैं, तो सूट मिलते हैं, समझ रहे ना, तो इस तरह लोगों को उन्होंने एक गाना गाते हुए प्रेरित करते थे, भर्ती हो जा रहे रंग रूट, इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते हैं, इस तरह उन्होंने गाना गाते हुए नाटक करके लोगों को आकर्षित करते थे, वह देखते ही कुछ लोग भर्ती होने के लिए उन्होंने तैयार हो जाते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं, महसूस होना मतलब ज्ञात होना, ज्ञात उसके बारे में हम समझ ले, यह नाटक या उन लोगों की गाना देखकर लोग गांव के लोगों में ऐसा एक भावना आता था कि
या मन में वे सोचते थे कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं, मतलब वो मिलिट्री लोगों से हम भी कम नहीं है। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम भी फौजी ही है। जब उन्होंने मतलब लेकर जी पाठशाला में ठीक है वो स्काउट एंड गाइड्स ठीक है प्रैक्टिस में थे तो ऐसा एक अनुभव होता था उनको मन में, वह करते समय ऐसा एक अनुभव होता था हम भी फौजी जवानों से कम नहीं है, है ना। देखो इधर बूट और जुराबों, जुराब मतलब मोजा, सॉक्स बोलते ना, मोजा सॉक्स बूट के सॉक्स है। हाँ, धोबी की धुली वर्दी मतलब धोबी से साफ किया हो, धोबी बटे हुए होंगे, धोबी से साफ किया हुआ कपड़े पहनकर पॉलिश किए बूट ठीक है और मोजा मतलब सॉक्स को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम भी फौजी है। इस तरह ड्रेस करके मतलब धोबी से साफ किया हुआ कपड़े पहनकर, पॉलिश किया हुआ बूट पहनकर और बूट के पहले सॉक्स और बूट पहनकर हम उसमें भाग लेते थे ना, तो स्काउट प्रैक्टिस करते समय हमारे मन में भी एक ऐसा भावना आता था कि हम फौजी है, मतलब फौजी ही है, हम भी एक सैनिक है, मिलिट्री के आदमी है। तो ऐसा एक भावना लेखक जी के मन में आता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम देख लिए हैं जिस तरह लेखक जी अपने स्कूल में समय बिताते थे, मतलब सभी लोग मिलकर स्काउट एंड गाइड्स प्रैक्टिस में लगे तो जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, यह सारा विषय लेखक जी हमें हमारे साथ चर्चा किया है। तो स्काउट प्रैक्टिस करते समय ठीक है उनको जिस तरह एक अनुभव होता था उसके बारे में भी हमें उन्होंने समझाया है। तो आगे का विषय क्या है बच्चों अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।